मैंने तुम्हारे लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। ढेर सारी खुशियाँ दे रहा हूँ मैं तुम्हें, अपनी बाहें बस फैला कर रखो। खुशियाँ बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। तुम्हारी परेशानियों का हल मेरे पास है और मैं उसे हल को किस तरीके से निकालता हूँ देखते जाओ। और मैं काफ़ी हद तक निकाल भी चुका हूँ। तुम्हें कोई नुकसान क्या पहुँचाएगा? तुम्हें पता भी है नुकसान पहुँचाने से पहले तुम्हारे बारे में तो क्या, उसको मुझसे गुजरना होगा। तुम्हारा तो कोई बुरा सोच भी नहीं सकता। तुम बहुत मजबूत हो, एक चट्टान की तरह। तुम्हें अपने इरादों से हिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि तुम्हारे इरादे बहुत पक्के हैं और तुम्हारे फैसले भी बहुत सही होते हैं। मुझे कभी तुम्हारे फैसलों में कोई गलती नज़र ही नहीं आती, और वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे इरादों और फैसलों में मैं जो शामिल होता हूँ। तुम कभी कोई फैसला लेते हो तो सबसे पहले तुम अपने बाबा को याद करते हो, और यही कारण है कि तुम्हारे फैसले गलत नहीं होते। मैं सब तुमसे करवाता हूँ, बस करता मैं हूँ, और ना ही मैं तुमसे कभी कोई गलत काम करवाऊँगा। हमेशा तुम्हारे फैसले यूं ही सही करवाऊँगा। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हों, पर वो तुम्हें कभी कुछ गलत करने ही नहीं देंगी, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। और हाँ, तुमने मुझसे जो मांगा था वो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तुम्हें वो जल्दी ही मिलेगा, बस तुम देखते जाओ। तुम हमेशा कहते हो ना कि बाबा अपना चमत्कार दिखाओ, बाबा अपना चमत्कार दिखाओ। तो तैयार हो जाओ, अब मेरा चमत्कार तुम्हारे लिए शुरू हो चुका है। और तैयार हो जाओ मेरे चमत्कारों के लिए। तुम मेरे पास आकर बस मेरा ध्यान करा करो, मुझसे थोड़ी सी बातें किया करो, क्योंकि मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत इंतज़ार करता हूँ तुम्हारा। और मैं एक बात तुमसे कहता हूँ कि जब तुम आंखें बंद करके ध्यान करोगे तो तुम्हारा ही मन शांत होगा, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा प्रभावित होगी। तो इसलिए जब कभी घबराओ, परेशान हो, तो मेरे पास आकर ध्यान कर लिया करो। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।